हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं। आज मैं जा रही हूँ व्रत के लिए स्पेशल बनाने, बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी नमकीन, जो आप लोग को काफ़ी ही पसंद आएगा। तो चलिए, इसके लिए मैंने 3 आलू लिए हैं। 3 आलू को मैंने, कच्चा आलू है, इसको मैंने अच्छे से छील लिए हैं और इसे पानी में रखे, नहीं तो ये काला पड़ जाएगा। और कुछ फ्रूट्स लिए हैं, ड्राई फ्रूट है, जैसे कि मैंने बादाम लिए हैं, थोड़े से मूंगफली, किशमिश लिए हैं, मखाने हैं, कुछ धनिया की पत्ती है, सूखे हुए मैंने स्टोर करके रखे थे वो है, और कुछ साबुदाने मैंने छान लिए हुए हैं वो है। तो चलिए, मैं इसे आलू को से निकाल करके इस ग्राइंडर की सहायता से इस तरह से मैं ग्राइंड करूँगी, इसको ग्रेटर की सहायता से इस तरह से काले और तुरंत ही इसको ग्राइंड, ग्रेटर की सहायता से इसे ग्राइंड करते जाएँ और अच्छे से कद्दूकस कर लें। इसके बाद में इसे पानी में तुरंत डालें, नहीं तो ये काला पड़ जाएगा। तो चलिए, मैं ग्रेट करती हूँ। आप देख सकते हैं, मैंने सारे आलूओं को इसी तरह से कद्दूकस कर लिया है। इसी तरह इतना ही पतला होना चाहिए। इसे आप देख रहे हैं इसमें कितने सारे स्टार्च हैं। इसको दूसरे बर्तन में पानी रखें, उसमें भी इसे अच्छे से पूरे, इसका पूरी स्टार्च निकल जानी चाहिए। इस तरह से आप ही 1 से 2 पानी से इसे अच्छे से पूरी स्टार्च निकाल लें। इस तरह से इसे हाथों से इस तरह से इसमें एकदम पूरा साफ पानी और क्लीन होना चाहिए। देखिए, इस तरह से पूरे से निकाल करके इसको छन्नी की सहायता से 2-3 पानी से इसे अच्छे से धुलें, जिससे इसकी पूरी निकल जाए स्टार्च। अच्छे से करके इसे छान लें। उसके बाद में आप देख सकते हैं, इसके पूरे पानी साफ अब दिख रहे हैं, इसका मतलब है ये अच्छे से धुल चुका है, अच्छे से साफ हो चुका है। अब इसे आप छन्नी की सहायता से, मैंने छोटी ली है, छोटी वाली जाली वाली, इसी में डाल करके इसे अच्छे से पानी इसका पूरा निचोड़ जाना चाहिए। उसके बाद में आप इसे इस तरह से देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, कि इतनी खस्ती और कुरकुरी नमकीन होती है कि आप एक बार बनाएंगे तो इसे बार बार बनाना चाहेंगे। इधर टॉवल बिछा लें, उस पर आप इसे डाल करके अच्छे से इसके में पानी दिए, ध्यान रखिए कि इसमें थोड़ी भी पानी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से फैला करके के टॉवल से फैला लें इसे, इस तरह से अच्छे से इस तरह से आप करें। पानी एकदम नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसे हमें फ्राई कर, आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से सूख चुके हैं। इस तरह से इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। इस तरह से आप भी टॉवल पर डाल करके इसे अच्छे से पानी इसका पूरा निकाल लें और इसे एक प्लेट में, हाँ देखिए कितने अच्छे हैं ये लग रहे हैं। इधर मैंने तेल भी गर्म होने के लिए रख दिए हैं, कि आप रिफाइन में घी व्रत के लिए है तो इसे आप मूँगफली रिफाइन में बनाएं, घी में आप इसे करें एक डाल करके आप चेक कर सकते हैं कि तेल गर्म हुआ है कि नहीं। अभी तेल गर्म नहीं है, थोड़ी देर में हुआ तो मैं इसमें छान करके आप लोग को बताऊँगा। डाल करके इसमें आप इस तरह से उसके बाद देख सकते हैं, देखिए तेल पूरा परफेक्ट गर्म है, तेल गर्म होनी चाहिए। इस तरह से आप इसे छान लें, बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी होता है। तेल भी तेल से छान लें तभी ये पूरा क्रिस्पी होगा। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छे से भून लिया है, फ्राई कर लिया है। इस तरह से आप भी फ्राई कर लें। अब इसमें आप मूंगफली के दाने कुछ ऐड कर लें, ड्राई फ्रूट कुछ ऐड कर लें, इसमें थोड़े से मिर्ची पाउडर। आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने मिर्ची पाउडर ऐड किए हैं, काला सफ़ेद नमक। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें जीरा पाउडर भी ऐड कर लिया, थोड़े से साबुदाना भून लिए हुए थे उसे मैंने इसमें ऐड करके मिक्स कर लिया। देखिए कितना ये क्रिस्पी लग रहा है, उतना ही टेस्टी और यम्मी होता है। आप इसमें हरा धनिया भी मैंने सूखा डाला है, आप चाहें तो, ये व्रत के लिए है इसलिए मैंने इसमें अधिक मसाले नहीं ऐड किए हैं। नहीं तो आप और भी चाट मसाला, काला मिर्च, तीखा खाना पसंद करते हो तो आप काला मिर्च भी डाल सकते हैं इसमें। कैसा लगा मीठी मेरा? अगर आप लोग को अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।